मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। हमने क्या करना है, कोशिश करनी है और इस कोशिश को कामयाब बनाना है। हम इंग्लिश को लेकर चले हैं, इस इंग्लिश को हमने करके दिखाना है। हमारे बच्चे और आप, हम सब मिलकर क्या करेंगे, इंग्लिश को पार करके ही रहेंगे, क्योंकि इससे जितना दूर भागेंगे ये हमसे उतना ही दूर भागेगी, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है। कल आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल एफर्मेटिव करवाया था, उसमें क्या करवाया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर बताया था हमने, जैसे हमने पीछे वर्ब लिखी है उसका जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस या एस कहाँ कहाँ लगता है वो हमने पिछली वीडियो में बताया, वो वीडियो आप देख लेना। पिछली वीडियो में हमने एक और कहा था कि आपने वर्ब याद करनी है जो यहाँ लिखी हुई है। आने वाली वीडियो में हम आपके लिए और भी वर्ब बताएंगे, कम से कम आपने 400 वर्ब याद करनी है। 400 वर्ब हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपको बताएंगे जो मेन मेन वर्ब है, कौन कौन सी वर्ब है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 10 या 15 मिनट की, लेकिन बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक स्टेप बताएंगे और समझाएंगे। जैसे हमने बताया था कल आपको, जैसे आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, यू प्ले तुम खेलते हो, दे प्ले वे खेलते हैं, ऐसे ही आपने ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फास्ट बोलना है। जितनी ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश आएगी, क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है ये, इसको हमने जीवा पर लेके आना, इसको बार बार बोलते रहना, बार बार बोलते रहना, बार बार बोलते रहना, जब भी आपको टाइम मिले तभी आपको बोलते रहना है। आपने हिस्ट्री चार्ट नहीं लेके आने की, कौन हमें क्या कह रहा है, हमने हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमने करना है तो करना है, कोई कुछ भी कहे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको कुछ कहेंगे कि अंग्रेज बन गया, पता नहीं कैसे कैसे कहेंगे लोग, लेकिन आपने उनकी सुननी नहीं है, आपका जो कार्य है वो आपने करना है। जैसे हमने वर्ब दी थी कल और आपको ये करवाए थे, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्रूव मैं सिद्ध करता हूँ, वी टेक हम लेते हैं। आज करवाएंगे हम इसका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करवाएंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज कहाँ आएगा, आई वी यू और दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, ही सी इट नेम और यहाँ से माई मदर से लेकर श्याम्स ब्रदर तक, ये भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम बुलाते हैं खुशी। अब जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने सिंपल सेंटेंस करे थे पिछली वीडियो में, अब मैं आपको कोई और वर्ब लेके उसमें पिछली वीडियो वाले दोबारा से रिपीट करती हूँ। मैं लूँगी लिसन, मैं आपको पहले इंग्लिश में बोल के बताऊँगी, इसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाऊँगी। आई लिसन, वी लिसन, यू लिसन, दे लिसन, ही लिसन, शी लिसन, इट लिसन, राम लिसन, माई मदर लिसन, अवर फादर लिसन, योर ब्रदर लिसन, हिज ग्रैंड फादर लिसन, हर ग्रैंड मदर लिसन, देयर सिस्टर लिसन, श्याम ब्रदर लिसन। अब मैं आपको इसको क्या करना है, इसको पहले इंग्लिश में बोलना है। इसको जैसे मैंने बताया था आई प्ले, जैसे आई ड्रिंक, आई लिसन, आई राइट, आई ब्रेक, आई ट्राई, आई स्लीप, आई रीड, आई स्पीक, आई अस, आई लर्न, ऐसे करना। अब ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएगी। मैं सुनता हूँ, आई लिसन, हम सुनते हैं, वी लिसन, तुम सुनते हो, यू लिसन, वे सुनते हैं, दे लिसन, वह सुनता है, ही लिसन, वह सुनती है, शी लिसन, यह सुनता है, इट लिसन, राम सुनता है, राम लिसन, मेरी माता जी सुनती है, माई मदर लिसन, हमारे पिताजी सुनते हैं, अवर फादर लिसन, तुम्हारा भाई सुनता है, योर ब्रदर लिसन, उसके दादाजी सुनते हैं, हिज ग्रैंड फादर लिसन, उसकी दादी जी सुनती है, हर ग्रैंड मदर लिसन, उनकी उनकी बहन सुनती है, देयर सिस्टर लिसन, श्याम का भाई सुनता है, श्याम ब्रदर लिसन। वेरी गुड। अब कुछ आपने ये नेगेटिव बनाने हैं, ठीक है। नेगेटिव पहले आपने इनमें से कोई एक वर्ब लेनी है, ऊपर से नीचे तक पहले आपने इंग्लिश में बोलना है, फिर इंग्लिश में बोलने के बाद हिंदी से इंग्लिश में बोलना। आप कोई भी एक वर्ब ले सकते हो इनमें से। कैरी, कैरी गुड, कैरी ले जाना। हाँ बोलो। आई कैरी, वी कैरी, यू कैरी, आई डू नॉट कैरी, वी डू नॉट कैरी, यू डू नॉट कैरी, दे डू नॉट कैरी, ही डज नॉट कैरी, शी डज नॉट कैरी। आपने ही डज नॉट कैरी क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया? डू क्योंकि जो ही है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, हम मेन वर्ब का एस और एस हटा के डू के साथ लगा देंगे। इसमें वर्ब आएगी, वर्ब के साथ भी एस या एस लगाओगे? वर्ब के साथ नहीं लगेगा क्योंकि वो डू के साथ लग गया। अब गुड, अब बनाओ।
अब मैं इट से ही पहले इंग्लिश में बोलूं, ही से, ही डज नॉट कैरी, शी डज नॉट कैरी, इट डज नॉट कैरी, राम डज नॉट कैरी, माय मदर डज नॉट कैरी, आवर फादर डज नॉट कैरी, योर ब्रदर डज नॉट कैरी, हिज ग्रैंडफादर डज नॉट कैरी, हर ग्रैंडमदर डज नॉट कैरी, देयर सिस्टर डज नॉट कैरी, श्याम ब्रदर डज नॉट कैरी, मैं नहीं ले जाता, आई डू नॉट कैरी, हम नहीं ले जाते, वी डू नॉट कैरी, तुम नहीं ले जाते, यू डू नॉट कैरी, वे नहीं ले जाते, दे डू नॉट कैरी, वह नहीं ले जाता, ही डज नॉट कैरी, वह नहीं ले जाती, शी डज नॉट कैरी, यह नहीं ले जाता, इट डज नॉट कैरी, राम नहीं ले जाता, राम डज नॉट कैरी, मेरी माता जी नहीं ले जाती, माई मदर डज नॉट कैरी, हमारे पिताजी नहीं ले जाते, अवर फादर डज नॉट कैरी, तुम्हारा भाई नहीं ले जाता, योर ब्रदर डज नॉट कैरी, उसके दादाजी नहीं ले जाते, हर हिज ग्रैंड फादर डज नॉट कैरी, उसकी दादी जी नहीं ले जाती, हर ग्रैंड मदर डज नॉट कैरी, उनकी बहन नहीं ले जाती, देयर सिस्टर डज नॉट कैरी, श्याम का भाई नहीं ले जाता, श्याम ब्रदर डज नॉट कैरी। इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही है? लगभग एक महीने का। एक महीने से इन्होंने वर्ब याद कर रखी है, वर्ब कितनी याद की हुई है? 330 हुई है अभी तो। 330 वर्ब हुई है, ये डेली 30 वर्ब, 20 वर्ब या 10 वर्ब ऐसे लेते हैं और इनको याद करते हैं। आप बुलाएंगे हम स्नेहा को, स्नेहा आपको एक वर्ब दूंगा, पहले हिंदी में बोलना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है नेगेटिव की, ठीक है? आपको जैसे मैंने एग्री, सहमत नहीं होता, राम डज नॉट एग्री, मेरी माता जी सहमत नहीं होती, माई मदर डज नॉट एग्री, हमारे पिताजी सहमत नहीं होते, अवर फादर डज नॉट एग्री, तुम्हारा भाई सहमत नहीं होता, योर ब्रदर डज नॉट एग्री, उसके दादाजी सहमत नहीं होते, हिज ग्रैंडफादर डज नॉट एग्री, उसकी दादी जी सहमत नहीं होती, हर ग्रैंड मदर डज नॉट एग्री, उनकी बहन सहमत नहीं होती, देयर सिस्टर डज नॉट एग्री, श्याम का भाई सहमत नहीं होता, श्याम ब्रदर डज नॉट एग्री। वेरी गुड, शाबाश। अब आदित्य आएगा, आदित्य बताएगा, इसको भी एक वर्ब देंगे, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, एक कॉपी पे लिख लेना है, कॉपी पे लिखने के बाद आपने जैसे बार बार बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आपने पहले इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलने के बाद फिर हिंदी में बोलना है, हिंदी से फिर इंग्लिश में, ऐसे इनकी प्रैक्टिस करनी है। आदित्य आएगा, आदित्य भाई, जैसे आपको मैं वर्ब देता हूँ बाय, बाय मैंने खरीदना, बनाओ, नेगेटिव बनाने आपने, मैं नहीं खरीदता, आई डोंट बाय, हम नहीं खरीदते, वी डोंट बाय, तुम नहीं खरीदते, यू डोंट बाय, आराम से बोलना ताकि हमारे व्यूअर्स को ये आसानी से समझ में आ जाए। मैं नहीं खरीदता, आई डोंट बाय, हम नहीं खरीदते, वी डोंट बाय, तुम नहीं खरीदते, यू डोंट बाय, वे नहीं खरीदते, दे डोंट बाय, वह नहीं खरीदता, ही डज नॉट बाय, वह नहीं खरीदती, शी डजंट बाय, यह नहीं खरीदता, ही डजंट बाय, राम नहीं खरीदता, राम डजंट बाय, मेरी माँ जी नहीं खरीदती, माई मदर डजंट बाय, तुम हमारे पिताजी नहीं खरीदते, आवर फादर डजंट बाय, तुम्हारा भाई नहीं खरीदता, योर ब्रदर डजंट बाय, उसके दादाजी नहीं खरीदते, हिज ग्रैंडफादर डजंट बाय, उसके दादाजी नहीं खरीदती, हर ग्रैंडमदर डजंट बाय, उनकी बहन नहीं खरीदती, देयर सिस्टर डज नॉट बाय, श्याम का भाई नहीं खरीदता, श्याम ब्रदर डज नॉट बाय। वेरी गुड, शाबाश। अब आएगा प्रिंस, प्रिंस आ भाई, पहले आपने हिंदी में बोलना है, फिर आपने इंग्लिश में बोलना है, आपको वर्ब दी जाती है स्लीप, सोना। मैं नहीं सोता, आई डू नॉट स्लीप, हम नहीं सोते, वी डू नॉट स्लीप, तुम नहीं सोते, यू डू नॉट स्लीप, वे नहीं सोते, दे डू नॉट स्लीप, वह नहीं सोता, ही डज नॉट स्लीप, वह नहीं सोती, शी डज नॉट स्लीप, यह नहीं सोता, इट डज नॉट स्लीप, राम नहीं सोता, राम डज नॉट स्लीप। आप क्यों डज के साथ ऐसे एस लगा रहे हो मेन वर्ब के साथ? नहीं, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एस से एस आ चुका है। वेरी गुड, आगे बोलो। मेरी माता जी नहीं सोती, माई मदर डज नॉट स्लीप, हमारे पिताजी नहीं सोते, और फादर डज नॉट स्लीप, तुम्हारा भाई नहीं सोता, योर ब्रदर डज नॉट स्लीप, उसके दादाजी नहीं सोते, हिज ग्रैंड फादर डज नॉट स्लीप, उसकी दादाजी नहीं सोती, हर ग्रैंड मदर डज नॉट स्लीप, उनकी बहन नहीं सोती, देयर सिस्टर डज नॉट स्लीप, श्याम का भाई नहीं सोता, श्याम ब्रदर डज नॉट स्लीप। वेरी गुड, आ जाओ सभी आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ से आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, किस टॉपिक पर हमने वीडियो बनानी है, इधर आ जाओ इधर, किस टॉपिक पर हमने वीडियो बनानी है, आपके लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी स्टेप वाइज स्टेप वीडियो लेकर आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस भी दिखा रहे हैं, बीच बीच में ये प्रैक्टिस करते कैसे हैं, जो आगे वीडियो बनाएंगे एक वर्ब की वीडियो बनाएंगे, इनकी 300 से ऊपर वर्ब याद होगी इनको, 400 वर्ब की इनके साथ वीडियो बनाएंगे, और 400 वर्ब की जो वीडियो बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे या स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक वीडियो बना देंगे, आप कॉपी पर लिख लेना और उनको याद करना, क्योंकि जब तक हम वर्ब याद नहीं करेंगे तब तक अच्छे से हम टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें मेन काम वर्ब का होता है।
तो जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। और यूट्यूब में जाके जहाँ आप ये वीडियो देखते हो उसके नीचे यूट्यूब के नीचे यूट्यूब खोलोगे नीचे चैनल आएगा, ये वीडियो आएगी, वीडियो के नीचे कमेंट मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाके आपने कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे अंदर जोश जुनून और जज्बा आता है कि और भी हम और ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ और आपको अच्छे से करवाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम।